हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हो। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन पर। मैंने स्ट्रेट लाइन का एक एक सारा टॉपिक डाल करके यूट्यूब पर रख दिया है। तो आप लोग यूट्यूब या गूगल पर सर्च करें टेक्निकल स्टार एकेडमी। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर डालिएगा बेसिक मैथमेटिक्स, देखिएगा। तो जो बेसिक मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट होगा तो उसमें जो होगा मेरा सारा स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, हम जितना सारा स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन बताएं सिर्फ उतना पढ़िए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर थोड़ा ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं तो नोटबुक पढ़िए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इस पर। यहाँ पर देखिए, हम दो पॉइंट्स है मेरा, इन्हीं दो पॉइंट्स पर हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस कुछ टॉपिक्स और बचाए, इन टॉपिक्स को लेने के बाद मेरा स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो टू फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो पासेस थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा। इसका कहने का मतलब ये है कि मेरा कोई एक लाइंस है, ठीक है, और वो लाइंस क्या कर रहा है, एक पॉइंट से गुजर रहा है। अब फिर कोई एक दूसरा लाइंस है और वो लाइंस का हमको इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसको इस तरह समझिए, देखिए यहाँ पर ये लाइन है और इस लाइन पर मेरा एक पॉइंट अल्फा बीटा, ठीक है, और दूसरा जो कोई लाइन है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है। ठीक है, हमको इस लाइन का इक्वेशन बोला गया निकालने के लिए। सिंपल सा काम क्या करना है, हमको यहाँ से स्लोप निकालना है। ठीक है, स्लोप से ये दोनों लाइन पैरेलल है तो पैरेलल का क्या होता है, स्लोप एम वन इक्वल टू एम टू। ठीक है, तो यहाँ से हमको स्लोप निकाल करके बस एक पॉइंट, अगर हमको एक पॉइंट और एक स्लोप मिल जाए तो हम सिंपल सा काम कर सकते हैं, वहां से इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये मेरा पहला जो है ये पॉइंट, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये मेरा है, इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर जो है मेरा, यहाँ पर बोला गया है कि टू फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, देखिए मेरा कोई एक इस तरह से लाइन है, ये जो लाइन है बोला है परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये लाइन मेरा इस तरह से है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब ये सीधी लाइन गया, ये मेरा क्या है, इसका इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर जो एक पॉइंट है उसका क्या नाम है, अल्फा बीटा। ठीक है, और हमको बोला गया इसका, इस लाइन का हमको इक्वेशन निकालने के लिए। सिंपल सा काम क्या करना है, हमको एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, यदि परपेंडिकुलर क्या करना है, हमको यहाँ स्लोप निकालना है। तो अगर एक स्लोप निकल जाए तो हमको एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, तो क्या करते हैं, एम वन मल्टीप्लाई एम टू इक्वल टू माइनस वन। एक स्लोप निकल जाएगा फिर हम दूसरा स्लोप निकाल लेंगे, तो मेरा परपेंडिकुलर का स्लोप निकल जाएगा। फिर यहाँ से हमको एक पॉइंट मिला हुआ है और एक पॉइंट से हम क्या करेंगे, स्लोप के अकॉर्डिंग यहाँ से इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इसी इसी दो पॉइंट पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 34। इसे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमको एक लाइन जो हमको इक्वेशन निकालना है ऐसे है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ये जो पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट इस लाइन से गुजर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 34 है ये पॉइंट है, और ये जो एक्स प्लस टू वाई है यहाँ पर है, और ये दूसरे का पैरेलल है। ठीक है, देखिए इसका हम कैसे निकालेंगे इक्वेशन, पहले हम सारा चीज को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो गिवन हमको एक पॉइंट दिया है, तो पहले पॉइंट लिख लेते हैं 34। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक इक्वेशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इक्वेशन क्या मेरा, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री है। ठीक है, एक पॉइंट और इक्वेशन है, और बोला गया है इक्वेशन में मतलब ये जो इक्वेशन है इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि ये एक दूसरे के पैरेलल है तो यहां से हम सिंपल सा क्या काम करेंगे, पहले से एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री है तो यहां से हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस एक्स का कोफिशियंट, तो यहां पर क्या माइनस वन, और फिर कोफिशियंट ऑफ वाई तो वाई टू। ठीक है, तो एम बराबर क्या आएगा, माइनस वन बाई टू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आप यहां पर देख सकते हैं, तो इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या है कि यहाँ समांतर है, पासिंग पैरेलल बोल रहा है, तो एम वन बराबर एम टू। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे इस इक्वेशन से, इक्वेशन इसको वन लिख दीजिए, तो स्लोप ऑफ इक्वेशन वन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका स्लोप, एम वन बराबर माइनस वन बाई टू। अभी तो निकाले थे, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, इक्वेशन हमको दिया हुआ है, तो कोफिशियंट ऑफ माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बटे कोफिशियंट ऑफ वाई, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई टू। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, एक दूसरे बराबर होगा। तो सिंपल से बात है, हमको एक स्लोप मिल गया और एक पॉइंट है। ठीक
है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्लीन कर दें, यहाँ पर लिखेंगे हैंस वाई वन माइनस हैंस द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा एक पॉइंट है तो वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पर एक पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, एक्स वन और वाई वन। वाई वन यहाँ पर क्या है, फोर, वाई माइनस फोर हो जाएगा। और एम का मेरा वैल्यू क्या है, यानी एम वन का माइनस वन बाई टू, यहाँ माइनस वन बाई टू रखिए। और एक्स माइनस यहाँ पर क्या है, थ्री है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, क्या हो जाएगा टू वाई माइनस फोर, और ये माइनस एक्स, और फिर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ, माइनस माइनस प्लस, तो ये थ्री। इस माइनस को हम इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस टू वाई, और ये प्लस में थ्री इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस से माइनस फोर जीरो, क्योंकि माइनस थ्री और माइनस फोर क्या होगा, सेवन। तो मेरा जो वो लाइन का इक्वेशन था, जो एक मेरा पॉइंट था, और ये जो इक्वेशन है यहाँ का है एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री, और ये जो लाइन का मेरा इक्वेशन हो क्या होगा, एक्स प्लस टू वाई माइनस सेवन। तो ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम सेकेंड नंबर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 25 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 12 प्लस 5 वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बोला जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर हमको क्या करना है कि आप परपेंडिकुलर का मतलब क्या, दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा इस तरह से, ठीक है। तो पहले हमको जो जो दिया गया हम उसको लिख लेते हैं, सिंपल सा काम इतना काम कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन हमको क्या दिया गया, एक पॉइंट से, तो एक पॉइंट लिख लेते हैं पहले, 2.25 है मेरा, और एक इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 31 है, हाँ 31 है ये। तो इस तरह से इक्वेशन लिख लिए हैं, और जब यहाँ परपेंडिकुलर का बात बोला गया है तो हम समझ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू माइनस वन, अगर दो लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, इसी तरह कंडीशन होता है, स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन हम वन रख देते हैं, और इस इक्वेशन से हम स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ इक्वेशन वन, तो स्लोप ऑफ इक्वेशन वन, तो यहाँ जो स्लोप निकालेंगे तो क्या करेंगे, एम इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ माइनस में कोफिशियंट ऑफ माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बटर, ऐसे करके माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई कोफिशियंट ऑफ वाई, ठीक है। तो यहां से देखिए माइनस लगा हुआ है, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है टू, तो माइनस में टू डिवाइडेड कोफिशियंट ऑफ वाई क्या है फाइव, जो माइनस टू डिवाइड क्या आ गया फाइव आ गया है। तो यहां से हमको मान लीजिए एम वन मिला है, तो हमको निकालना है कि एम टू निकालना है, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एम वन का वैल्यू क्या है, माइनस टू बाय फाइव, तो यहां पर रखेंगे माइनस टू बाई फाइव गुना एम टू इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस तो माइनस कट जाएगा यहाँ पर, और ये फाइव जाएगा उस साइड, तो क्या आ जाएगा एम टू इक्वल टू फाइव बाई टू, ठीक है। अब देखिए ये जो मेरा स्लोप निकला है, तो एक स्लोप और एक पॉइंट है, एक स्लोप और एक पॉइंट से क्या मेरा इक्वेशन निकल जाएगा। तो लिखेंगे हैंस द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो क्या आ जाएगा वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो देखिए ये एक्स वन है और ये क्या है वाई वन, तो यहाँ पर लिखिए वाई माइनस फाइव, स्लोप मेरा क्या है फाइव बाई टू, और एक्स माइनस एक्स वन क्या है टू, चलिए टू रखते हैं यहाँ पर, टू से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें क्या आ जाएगा, ये टू वाई माइनस टेन, इसके बाद क्या आ जाएगा फाइव एक्स, और यहाँ पर माइनस में टेन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेन आएगा, ये माइनस में टेन, ऐसा रहेगा क्या वो प्लस में, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको इस साइड ले चलते हैं, तो क्या फाइव एक्स, ये टू आई साइड जाएगा क्या माइनस में, तो टू आई इक्वल टू जीरो, तो जो इसका आंसर होगा ये होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, डायरेक्ट है, जब भी देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है, सिंपल सा काम क्या करना है, अगर पैरेलल बोले तो पहले इसको क्या करना है, इसको स्लोप निकाल लेना पैरेलल, तो दोनों क्या होगा एम वन इक्वल टू एम टू होता है, ये पैरेलल निकलेगा, तो किसी का भी यहाँ एक पॉइंट है, एक पॉइंट से बस स्लोप वहां पर रखिए, बस आराम से निकल जाएगा। अगर परपेंडिकुलर का बात बोला जा रहा है तो उसमें क्या कीजिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होता है,
m1 = m2 - 1। तो यहाँ पर आप स्लोप निकाल कर क्या कीजिए, एक स्लोप का यहाँ पर रख दीजिए, फिर हमको m2 निकाल लेना है, फिर उस m2 से इस पॉइंट थ्रू हमको क्या करना है, इक्वेशन निकाल लेना है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं थर्ड नोट में क्या आता है। अब यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -8, 12 ऑन द लाइन 4x + 1 y + 13 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये जो मेरा पॉइंट है, ठीक है, और इस लाइन पर क्या किया गया, इस पॉइंट को ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हमको जो बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमको ये पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, ये मेरा लाइन का इक्वेशन को मिला हुआ है, अगर इस लाइन का इक्वेशन निकाल लें तो क्या ये इस इक्वेशन से और इक्वेशन से हम यहाँ का पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा हमको, इस ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालने के बाद परपेंडिकुलर एक दूसरे का, और वहां से एम1 और एम2 करके हमको वहां से एक स्लोप और निकालना है, और फिर उसके बाद उस स्लोप को क्या करना है, इस इक्वेशन में हमको डालना है, यानी कि एक पॉइंट और एक स्लोप रहता है तो हमको इक्वेशन मिल जाता है। तो वही काम यहाँ पर हम करने वाले हैं, तो देख लीजिए पहले, तो गिवन जो हमको दिया गया वही लिखना है पहले। तो पॉइंट है तो एक पॉइंट लिख लेते हैं पहले, तो पॉइंट क्या मेरा -1, 12, और उसके बाद यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर जो है 4x + 7y + 13 = 0। तो यहाँ पर इक्वेशन है, तो इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर पहले, 4x + 7y + 13 = 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिख लिए। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन से पहले यहाँ पर देख लीजिए कंडीशन क्या है, हमको यहाँ पर इस पॉइंट का बोला गया है कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। ठीक है, एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे लिखेंगे m1 = m2 - 1। ठीक है, इस इक्वेशन से हम पहले क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ इक्वेशन वन, स्लोप ऑफ इक्वेशन वन, तो यहां से क्या आ जाएगा स्लोप मेरा m1 = -4/7। ठीक है, अब इस स्लोप को हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे m2 निकल जाए, यानी कि इस लाइन का हमको स्लोप निकले, अभी जो m1 निकाले हैं इस लाइन का हम निकाले हैं। ठीक है, इसमें डालने के बाद किसका निकल जाएगा, इसका। ठीक है, फिर इसका निकलने के बाद इस पॉइंट पर हम डालेंगे, तो वो मेरा इस पॉइंट का इक्वेशन निकल जाएगा। तो देख लेते हैं, इस इक्वेशन में डालिए 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -4/7 × m2 = -1। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 7/4, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से m2 बराबर हमको क्या मिलेगा, 7/4 मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, m2 = 7/4 मिला यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट में हमको क्या करना है, इसको रखना है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं hence the equation of a straight line। ठीक है, पॉइंट है, तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा, y - y1 m और x - x1। ठीक है, तो यहाँ y - y1 है, तो ये क्या है, x1 और ये y1 है, तो चलिए y1 लिख लेते, तो y- क्या हो जाएगा 12, और m मेरा क्या है 7/4, और x- ये माइनस में है, और इसको क्या करेगा, प्लस कर देगा एक यहाँ पर। ठीक है, फिर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 4y- और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 48 = 7x + 56। इसको हम इस साइड आने देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7x - 4y, और ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 56 + 48, तो 7x - 4y, तो ये 4 हो जाएगा, और ये 104, 8, 6, 14, 95। ठीक है, तो ये मेरा पहला इक्वेशन है, और ये दूसरा इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इक्वेशन 2, इसको एक बार और लिख लेते हैं, 7x - 4y - 104 = 0। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्लीन कर दे रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमको इसका जरूरत है और इसका जरूरी है। ठीक है, इक्वेशन ये 2 है, हमको यहाँ का पॉइंट फाइंड करना था। अब देखिए जो मेरा पहला इक्वेशन वो क्या है, 4x + 7y + 13 = 0, और दूसरा क्या है, 7x - 104 = 0 है। ठीक है, हम देखिए ये प्लस और माइनस इन दोनों कटाते हैं, यहाँ क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं 7 से, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 4 × 4 क्या हो जाएगा 16, और 7 × 7 तो 16 और 49,
49 होगा तो 9 6 15 4 1 5 1 6 तो 65, तो 65x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एचओ के 52, और उसके बाद यहाँ पर ये 104 है, माइनस कर जाएंगे 104 मल्टीप्लाई 7 एचओ के 28 और एचओ का 28 के 8 बाकी 2 0, ये 2 ही हो जाएगा, फिर 7 ये कितना हो जाएगा 728, तो एक यहाँ पर 52 जुड़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा, 8 में 2 जाएगा 6 क्योंकि प्लस माइनस है, 8 में 2 जाएगा 6 और उसके बाद 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ पर 6, तो 676 आया है माइनस में, माइनस में 676 इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखिए 65x प्लस सॉरी माइनस 0 से आ जाएगा प्लस में हो जाएगा 676, ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 676 बाई 65, ठीक है। उसी तरह से x का वैल्यू क्या किया इसमें डालिए, y का वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक है, कैलकुलेटर से कर लीजिए इसका, तो देख लीजिए कर मिस्टेक तेरे चौके 52 हुआ है और 4 3 12 2 52, ठीक है, उसके बाद 7 4 28 फिर 7, तो 8 में से 2 जाएगा 6 और यहाँ 12 में से 5 जाएगा 7, उसके बाद यहाँ पर 6, तो सही है यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा 65, और y का वैल्यू जब डालेंगे यहाँ पर ये इक्वेशन 1 और ये क्या है इक्वेशन 2, तो रखिए पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो हम x का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई क्या है 676 वाई 65 प्लस 7 वाई प्लस 13 इक्वल टू 0, कैलकुलेटर से कीजिए इसको सॉल्व कीजिए और y का वैल्यू यहाँ से निकालिए फटाफट कितना आता है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक्स हुआ यहाँ पर, क्या हमको यहाँ पर लेना था ये जो था यहाँ पर प्लस होता है 104 में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो यहाँ पर 7x है और इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में आएगा, फिर ये प्लस में ही है 56, फिर इस साइड आएगा क्या होगा प्लस में ही होगा, ये प्लस में 104 होगा, उसके बाद यहाँ पर भी ये प्लस होगा तो प्लस 104, ठीक है, और उसके बाद 52 यहाँ पर जो हमको निकला था 52 और 728 इन दोनों को हमको ऐड करना है, इसको यहाँ से थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, 52 और 728, तो 8 2 10 5 2 7 1 8 780, तो ये मेरा कितना होता 780 होता उसमें भी प्लस में, ठीक है, इसको हम यहाँ से क्लीन कर दे रहे हैं, ये प्लस में कितना हो जाएगा 780, क्योंकि यहाँ पर देखिए 728 और 52, 728 और 52 हमें तो ऐड किए हैं, 728 और 52 8 2 10 5 2 7 1 8 फिर सर, देखिए अपन लोग को ऑलवेज टाइम जो है इंजीनियरिंग में जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो हमको कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ता है, तो कोशिश कीजिए कैलकुलेटर से ही सॉल्व करने का, ठीक है, नहीं तो यहाँ से बहुत मिस्टेक्स भी होता है, इक्वल टू 0 और ये उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में होगा, तो 65x इक्वल टू माइनस 780 होगा और x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 780 इक्वल डिवाइडेड 65, ठीक है, फिर इस वैल्यू को हम क्या करेंगे इक्वेशन में 1 में पुट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर देखिए 4 मल्टीप्लाई माइनस 780 बाई 65 प्लस 7 वाई प्लस 13 इक्वल टू 0 है, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेटर पर रख के और उसका वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो आपको वैल्यू क्या आ जाएगा उसका वहां से 325/65, ठीक है, तो वाई का वैल्यू क्या आएगा मेरा 325/65, इसको काटिएगा तो ये जो है आपको 5 से कट जाएगा और इसको यहाँ से काटिएगा तो माइनस क्या आ जाएगा 12, तो मेरा जो पॉइंट होगा वहाँ का जब निकाल रहे तो वो पॉइंट जो मिलने वाला है हमको वो पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर माइनस 12/5, ठीक है, ये मेरा आंसर होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट्स मेरा क्या होगा माइनस 12/5, तो मेरा ये आंसर है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या होने वाला है।